ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बड़ी सिंपल सी वीडियो है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम वीएस कोड में जुपिटर नोटबुक को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊंगा। मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, और मैं जाता हूँ अपने लिए ओपन फोल्डर करता हूँ, फोल्डर अपने लिए सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने लिए एक फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपने लिए एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ जुपिटर फर्स्ट मैंने इसमें दिया। और याद रखें जुपिटर प्ले डॉट आई पी वाई इनकी एक्सटेंशन लगती है। ये जो जुपिटर जिस तरह पाइथन के लिए पी वाई एक्सटेंशन है, इस तरह जुपिटर नोट के लिए पी वाई पाइथन और एन बी नोटबुक पाइथन नोटबुक इसकी वो एब्रीविएशन इसकी बनती है। ये मैंने किया तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट लाइक पाकिस्तान लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा तो मुझे कहेगा कि ये पाइथन आपने इंस्टॉल करना है, या आपको ये भी कह सकता है कि चेंज कर्नल करना है। तो मैं चेंज कर्नल ये वो वाला है सजेस्टेड, और ये कोंडा एनवायरनमेंट का भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए अलग इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, मैं बस इसके लिए कर रहा हूँ इंस्टॉल। ओके सो देखें अब ये इंस्टॉल हो गया आपके पास। आप अपने लिए जुपिटर नोटबुक को इस तरह वीएस कोड में भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा हैंडी है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपने नया कोड करना है तो आप इस तरह कोड वाला ब्लॉक आ जाएगा। अगर आपने कोई हेडिंग बनानी है तो आपके लिए मार्क डाउन आ जाएगा। और इसमें सिर्फ ऐसे नहीं है, आप इसके दरमियान में भी कहीं पे कर सकते हैं। साथ तौर पर मुझे इन दोनों के दरमियान अगर कोड चाहिए तो ये कोड अब इन दोनों के दरमियान आ गया। इनकेस मुझे मार्क डाउन का सेल चाहिए तो ये अब ये मार्क डाउन का देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, मार्क डाउन का सेल आ गया। बेसिकली आपके उसको टेक्स्ट के लिए मैं समझ लेता हूँ इंट्रोडक्शन इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हेडिंग के तौर पर आ गया आपके लिए, एक आपके कोड को लाइक वो बना चंक्स में डिवाइड कर देगा, इससे आपका कोड जो है नीट नजर आता है, क्लीन नजर आता है, और आपको खुद भी समझ आती है। तो बेसिकली इसमें आपके पास यहाँ पे और भी है रन ऑल के लिए, यहाँ पे क्लियर आउट ऑल आउटपुट्स अगर मैं सो करूँ तो ये इसका पाकिस्तान और जितने भी होंगे सारे वो क्लियर हो जाएंगे। आपका कर्नल में मसला आ गया, सपोज क्या होता है आपको अब बार बार अपने सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो कर्नल जो है कभी कभार काम करना छोड़ देता है, फिर वो क्या होता है आपका सेल रन हो रहा होता है और वो काम नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो ये कर्नल को रिस्टार्ट हो जाएगा अभी ये कर्नल आपका, और ये आपको वेरिएबल्स बताता है। अभी हमने क्योंकि वेरिएबल किए नहीं है तो मैं यहाँ पर अभी एक वेरिएबल दे देता हूँ, सपोज 10 कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक वेरिएबल्स का यहाँ पे आ रहा है, मुझे बता रहा है कि वेरिएबल क्या क्या है। इसके अलावा अगर आउटलाइंस हैं, ये बहुत सारी हमें अब जिस तरह मैंने मार्क डाउन इंट्रोडक्शन एक हेडिंग दिए, मैं यहाँ पे कोई और अगर हेडिंग देना चाहूँ, मैं कहता हूँ सपोज ऐसे ही समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर वन, ठीक है। और फिर मैं सॉरी ये मैंने कोड में किए इसलिए कमेंट हो गए, ठीक है। मैं या फिर इस अब ये मार्कडाउन में लिखता हूँ चैप्टर 1, ठीक है। तो ये वो आपको आउटलाइंस बना देता है आपके लिए, लेफ्ट साइड पे आपके पूरी एक वो जिसना टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता ये उसकी तरह आपके लिए आ जाता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम जुपिटर नोटबुक को यूज कर सकते हैं वीएस कोड में। थैंक यू।